एके मिश्रा जी, पहले आपके पास आऊंगा, आखिर क्यों बढ़ रहा है राजनीति में अपराधीकरण? देखिए आजाद जी, मैं आपको बताऊं, इस पे बहुत डिबेट पहले भी हो चुकी है जी। अपराध और राजनीति, इन दोनों का इतना चोली दामन का साथ है। अगर हम कालांतर में जाएं 10 साल 20 साल 25 साल पहले, तो सत्ता को पाने का जो सबसे अभीष्ट तरीका जो नेताओं को लगता था ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध या अपराधियों को शामिल करने का था। कानून व्यवस्था कुछ इतनी लचर थी, या आप ये बोलिए संविधान में कुछ जो प्रोविजंस हैं वो इतने कमजोर थे कि वो उन कमजोरियों का फायदा उठा के या तो उनको वो डायरेक्ट टिकट दे देते थे। दूसरी चीजें ये हैं कि और कई तरीके से पूरे चुनाव को, पूरे इलेक्शन को अपने एरिया में मैनेज करने या करवाने के लिए इनसे बढ़िया, यानी अपराधियों से बढ़िया, क्योंकि उनके पास पैसे की भी ताकत होती थी, बाहुबल भी होता था, सारी चीजें होती थी। श्योर शॉट विक्ट्री का जो सबसे बढ़िया तरीका नेताओं को लगता था, वो लगता था कि आप अपराधियों को अपने पार्टी में रखिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल किसी भी पार्टी का जो होता था वो होता था चुनाव जीतना। आप कोई भी पार्टी उठा के देख लीजिए, मैं बोलता हूं बीजेपी की बात करते हैं, जो स्वच्छ राजनीति की बात करने में सबसे आगे रहती है, संसद में 34 से 35% है। सीना ठोक के 8 बजे रात को नोटबंदी कर दी जाती है, इतना साहसिक डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि इतनी बहादुरी से आप रात को 8 बजे ऐलान कर सकते हो कि मेरे जो है सरकार में जितने दागी नेता हैं, आज 8 बजे के बाद सबकी सदस्यता जो है खत्म की जाती है। कोई भी पार्टी इस चीज पे कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। वैभव अग्रवाल हमारे साथ है बीजेपी से। वैभव जी, एके मिश्रा जी ने बड़ा सवाल उठा दिया है कि अगर नोटबंदी जैसे बड़े फैसले प्रधानमंत्री एकदम ले सकते हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर करने का रास्ता क्यों नहीं दिखा सकते?